This is third lecture for class 12. The name of the chapter is Electrostatics, subject physics. So in this class I am going to start vector form of Coulomb's law. वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ. तो इसमें मैंने दो चार्ज लिया है, एक प्लस क्यू वन और एक है प्लस क्यू टू, बोथ आर पॉजिटिव. तो पॉजिटिव चार्ज होने से क्या होता है, रिपल्शन फोर्स होता है, रिपल्सिव फोर्स. इसका मतलब है क्यू वन इसको रिपल करता है तो इसका डायरेक्शन हो गई, दिस फोर्स इज एफ टू ड्यू टू वन, फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन, ये डायरेक्शन में होगा. और एक होगा ये डायरेक्शन में रिपल्शन हो रहा है, मतलब क्यू टू ने क्यू वन को रिपल करता है. तो दिस फोर्स इज फोर्स ऑन वन ड्यू टू चार्ज टू. दोनों का वैल्यू सेम है बट डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है. अभी ये जो फोर्स है इसका, इस केस में हमको डिस्टेंस लेना है, ये डायरेक्शन में डिस्टेंस लेना है. तो डिस्टेंस जनरली क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट इक्वल से डिस्प्लेसमेंट, बिकॉज वेक्टर है. सो फाइनल माइनस इनिशियल, मतलब आर वन माइनस आर टू वेक्टर फॉर्म में. और ये वाला फोर्स के लिए हम लोग क्या है, आर टू फाइनल है डिस्प्लेसमेंट, आर वन इनिशियल है. तो आर टू माइनस आर वन, तो मैं सबसे पहले इसके लिए लिखा है फोर्स ऑन वन चार्ज ड्यू टू सेकेंड चार्ज, सॉरी अभी स्केलर फॉर्म में लिख रहा हूँ, मैं स्केलर फॉर्म फोर्स का वैल्यू मॉडुलस दे दिए, फोर्स का वैल्यू के क्यू वन क्यू टू बाय आर का मोड ले लिया, मतलब ये जो डिस्टेंस है इसका मॉडुलस ले लिया, क्योंकि मैं स्केलर फॉर्म में लिख रहा हूँ, मॉडुलस आर स्क्वायर. अभी इसको हम लोग वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है. सो वेक्टर साइन दे दिया, के सेम है, क्यू वन क्यू टू ये भी सेम है. अभी एक बात याद रखना, क्लास 11 में मैं जब वेक्टर पढ़ रहा था वहाँ पे यूनिट वेक्टर मिला था. तो यूनिट वेक्टर बेसिकली क्या होता है, यूनिट वेक्टर से हम लोग दूसरा वेक्टर को हम लोग क्या देते हैं, डायरेक्शन देते हैं. तो यूनिट वेक्टर जैसे एक यूनिट वेक्टर है, इसको ऐसा रिप्रेजेंट किया जाता है वेक्टर ए डिवाइड बाय उसका मॉडुलस, मतलब वैल्यू मैग्नीट्यूड, वेक्टर है उसका डिवाइड बाय उसका वैल्यू. सो अभी जैसे मान लेते कि मैंने फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू के बारे में लिखा है के क्यू वन क्यू टू बाय आर स्क्वायर वेक्टर फॉर्म में है, लेकिन हम लोग वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे डायरेक्शन देना पड़ेगा. तो डायरेक्शन देने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जैसे मान लेते कि हम लोग इस फोर्स को लिया, तो ये होगा आपका डिस्प्लेसमेंट, नेट डिस्प्लेसमेंट आर वन माइनस आर टू. तो ये वेक्टर फॉर्म डिवाइड बाय उसके स्केलर फॉर्म, तो ये यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर. तो और एक बात है, जो आर है ना, वो आर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, आर मतलब इस फोर्स के लिए यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस, यानी आर वन माइनस आर टू सेम एस, मतलब मॉडुलस आर वन माइनस आर टू इज इक्वल टू मॉडुलस आर. तो इस आर का जगह क्या लिखा है मैंने, आर वन माइनस आर टू, और यहाँ पे भी आर वन माइनस आर टू है, यहाँ पे स्क्वायर है और एक यहाँ पे और एक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा. और ये वैल्यू एज इट इज लिखा है. फिर इसका जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, आर लिख सकते हैं आर, और इसका जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम वन टू टू, वन टू टू ये वेक्टर फॉर्म में. तो इसको सिंप्लीफाई करने के बाद आपका वेक्टर फॉर्म में ये मिलेगा फोर्स. ये जो फोर्स है इसका ऊपर फोर्स है, फोर्स ऑन वन चार्ज ड्यू टू टू चार्ज के क्यू वन क्यू टू बाय आर क्यूब. एंड मैंने यहाँ पे एक डायरेक्शन देने के लिए वेक्टर दे दिया आर वन टू टू, वन टू टू, एक्चुअली टू टू वन होता है, टू टू वन ये डायरेक्शन में है डिस्प्लेसमेंट, ये डायरेक्शन में है. सो सिमिलरली फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन सेम होगा के क्यू वन क्यू टू बाय आर क्यूब. और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, मतलब डिस्प्लेसमेंट वन से लेकर कहाँ से होगा, वन से लेकर टू तक,
इसको बता रहे हैं, मतलब ये इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं आर वेक्टर साइन टू वन, और इसके अंदर हम लोग क्या लिख सकते हैं आर वेक्टर साइन वन टू, टू से लेके वन तक, ये वन से लेके कहां तक टू तक, सो नेक्स्ट आई एम गोइंग टू कंपेयर टू टाइप ऑफ फोर्स, वन इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, द रीजन बिहाइंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इलेक्ट्रिक चार्ज, एंड अदर इज ग्रेविटेशनल फोर्स, एंड द रीजन बिहाइंड ग्रेविटेशनल फोर्स इज मास मास. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द सिमिलरिटी बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स. The first similarity is inverse square law, means both are inversely proportional to square of what? Distance. Second similarity, act along line of joining center, means in case of electrostatic force, suppose two charges are kept at a distance, so if the both are positive, then it will give force to that charge in direction, and it will give force in this direction, means force always act along line of joining center. And regarding gravitational force also, if m1 is one mass, m2 is other mass, then force will be towards the line of joining. And difference, the first difference is रिपल्सिव एज वेल एज एट्रेक्टिव, मीन्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एट्रेक्टिव भी होता है रिपल्सिव भी होता है. सेम चार्ज होगा तो रिपल्शन होगा, अपोजिट चार्ज होगा तो क्या होगा अट्रैक्शन होगा. बट ग्रेविटेशनल फोर्स ऑलवेज एट्रेक्टिव, ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा क्या होता है अट्रैक्ट करता है एक दूसरे को, एक बॉडी दूसरा बॉडी को अट्रैक्ट करता है. जैसे अर्थ हम लोग कोई बॉडी को अगर ऊपर फेंकते हैं वापस आ जाता है ड्यू टू अट्रैक्शन फोर्स, कैसे भी अट्रैक्टिव. नेक्स्ट सिमिलरिटी है, सॉरी नेक्स्ट डिफरेंस है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम, ये जो कैपिटल जी है ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, किसी इसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है, मीडियम के ऊपर डिपेंड नहीं करता है. बट ना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मतलब जो के है ये कॉन्स्टेंट, दिस इज डिपेंड ऑन मीडियम, मैंने लास्ट वीडियो में ही बताया था कि मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है, बट कैपिटल जी मीडियम के ऊपर डिपेंड नहीं करता है. एंड लास्ट डिफरेंस इज फास्ट वैल्यू, फास्ट डिफरेंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. जो के का वैल्यू है पर वैक्यूम पर फ्री स्पेस दैट इज 9 × 10⁻¹, एंड द कैपिटल जी का वैल्यू है 6.67 एप्रोक्सीमेटली × 10⁻¹¹. ये बहुत स्मॉल है, 10⁻¹¹ वेरी वेरी स्मॉल, और ये बहुत बिग वैल्यू है. ये कांस्टेंट बड़ा वैल्यू का मतलब क्या है, छोटा चार्ज होने से भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा अच्छा खासा होगा, बट यहाँ पे छोटा मास होगा ना, तो ये इतना छोटा वैल्यू है. हाँ तो प्रोडक्ट ऑफ मास अगर कुंटल व टॉन होने से भी आपका फोर्स नहीं होगा, नेग्लिजिबल होगा. ये मास इतना होना पड़ेगा जो कि दोनों मास का प्रोडक्ट 10⁻¹² से बड़ा होगा तभी जाके फोर्स इफेक्टिव होगा. जैसे अर्थ ने किसी बॉडी को अट्रैक्ट कर रहा है और अर्थ ने मून को अट्रैक्ट कर रहा है तब जाके ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा मेजरेबल होगा भाई यूजफुल होगा. छोटा बॉडी के लिए ग्रेविटेशनल फोर्स यूजफुल नहीं है. जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स का मतलब है लॉ ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का मतलब है यूनिवर्स का हर एक बॉडी दूसरा बॉडी को अट्रैक्ट करता है. जैसे मैं इस वॉल को अट्रैक्ट कर रहा हूँ, वॉल मुझे अट्रैक्ट कर रहा है, बट ये फोर्स नेग्लिजिबल है मास का, वैसे नेग्लिजिबल है क्योंकि हम लोग का मास का प्रोडक्ट क्या है ऑलमोस्ट ये जी का कंपेरिजन में ये वैल्यू बहुत कम है. तो ये जो ये फोर्स है सोलर के लिए है, मतलब बड़े बड़े प्लैनेट के लिए एप्लीकेबल है. नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व सम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम. फर्स्ट क्वेश्चन इज find the ratio of electrostatic force to gravitational force for two electrons
प्लेस एट सेम डिस्टेंस अपार्ट इन एयर। सो पहले सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टैटिक्स फोर्स निकालते हैं, कूलम्स लॉ अप्लाई करना है। के का वैल्यू एयर के लिए 9 × 10⁻⁹ × ये आपका इलेक्ट्रॉन का चार्ज से, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन का चार्ज से। डिस्टेंस को मैंने दोनों का सेम है तो आर ले लिया आर एस। फिर दो इलेक्ट्रॉन के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, तो ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए कैपिटल जी का वैल्यू पुट किया 6.67 × 10⁻¹⁰। ये इलेक्ट्रॉन का मास है केजी में लिया है, केजी में, और ये भी इलेक्ट्रॉन का मास, दो इलेक्ट्रॉन का मास है इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स से आर एस पर। तो अभी मैंने क्या लिखा, इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स के बीच में रेशियो। सो ये डिवाइड बाई ये करो, आर एस स्क्वायर इसका कैंसिल हो जाएगा। तो कैलकुलेशन करने से क्या मिलेगा, 10⁻42। इसका मतलब है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स का वैल्यू ग्रेविटेशनल फोर्स का कंप्रेशन में कितना टाइम भरा है, 10⁻42 टाइम्स भरा है। 10⁻42 छोटा मोटा वैल्यू नहीं है, 42 पावर में 42 है, इट्स ए वेरी बिग वैल्यू। इसका मतलब है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स से आपका बहुत ज़्यादा टाइम जाता है। खाली याद रखना, ग्रेविटेशनल फोर्स तभी बढ़ा होगा जब बॉडी का मास बहुत बड़ा, 10⁻20 से, तो मास का मल्टीप्लीकेशन 10⁻20 से ज़्यादा होगा तब जगह इफेक्टिव होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना ये इंपॉर्टेंट है, ये इस टाइप का क्वेश्चन एंट्रेंस में भी आता है बोर्ड में भी आता है। ये चार्ज क्यू इज डिवाइडेड इन टू दो मतलब पार्ट्स, सच दैट व्हेन दिस टू पार्ट्स आर कैप्ट एट सेम सेपरेशन द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन देम इज मैक्सिमम, फाइंड चार्ज ऑन ईच पार्ट। मतलब एक चार्ज से आप चार्ज को ऐसा करके तोड़ना है और दोनों एक डिस्टेंस में रखने से फोर्स का वैल्यू मैक्सिमम होता है। कितना कैसे पार्टीशन करेंगे, मतलब कितना भाग में कैसे भाग करेंगे, 1:2, 1:4 कैसे भाग करने से आपका फोर्स का वैल्यू मैक्सिमम होगा उसको निकालना है। तो हम लोग चार्ज को दो पार्ट में भाग कर दिए, एक पार्ट को हम लोग एक्स ले लिया तो दूसरा पार्ट क्या होगा, क्यू माइनस एक्स, 10 था चार्ज, एक को अगर 2 ले लेंगे तो बाकी क्या होगा, 10 − 2 = 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे तो मालूम नहीं है हम लोग ऐसे पार्ट करना है, तो हम लोग एक्स मान लेंगे, दूसरा क्या होगा, q − x। सो आर हो गया डिस्टेंस। तो हम कूलम्स लॉ से फॉर्मूला लिखेंगे, F = k, एक हो गया एक्स चार्ज और दूसरा q − x, दो चार्ज का मल्टीप्लिकेशन डिवाइड बाय r स्क्वायर। और इसको सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं k q x - k x into x² / r² अभी आप देखो यहाँ पे r फिक्स्ड है, x फिक्स्ड है, क्योंकि वेक्टर जब फोर्स मैक्सिमम होगा तो फिक्स हो गई, और f फिक्स है, और सॉरी नॉट x इज नॉट फिक्स, q फिक्स्ड। सो अब डिफरेंशिएशन तो मैक्सिमम स्टूडेंट पता ही है, थोड़ा बहुत 11 में सिखा ही है। तो फॉर मैक्सिमम फोर्स, फोर्स का वैल्यू जब मैक्सिमम होगा तो df/dx का वैल्यू क्या होना पड़ेगा आपका, जीरो होना पड़ेगा। df/dx का वैल्यू कितना होना पड़ेगा, जीरो। सो अभी इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट। सो आपका ये तो मैं तोड़ दिया k³/r² क्योंकि सॉरी यहाँ पे x नहीं होगा, k³/r² क्योंकि x का तो 1 हो जाएगा डिफरेंशिएशन, k कांस्टेंट है, q कांस्टेंट है, r² कांस्टेंट है, तो k³/r² कांस्टेंट है, सामने आ जाएगा dx/x होगा तो 1 होगा। फिर माइनस k तो कांस्टेंट है, सामने आ जाएगा, लेकिन x² का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2x। सो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, 2x, r² कांस्टेंट है, = क्या होगा, 0। सो फिर r² कैंसिल कर सकते हैं, तो क्या लिख सकते हैं, k³ − 2kx = 0। तो k कैंसिल हो जाएगा, q = क्या होगा, 2x, तो x = क्या होगा, q/2। इसका मतलब दोनों चार्ज को अगर हम लोग 50-50 करेंगे तो फोर्स का वैल्यू क्या होगा, मैक्सिमम, फोर्स विल बी मैक्सिमम। नेक्स्ट इज लिमिटेशन ऑफ कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ इज ओनली वैलिड फॉर पॉइंट चार्जेस, इंपॉर्टेंट है,
वीक चार्ज होगा तो हम लोग ये फॉर्मूला मतलब एक्यूरेटली वैलिड नहीं होगा, पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड है। एंड मतलब और एक केस में वैलिड होगा जब दोनों चार्ज या मोशन में है या तो दोनों चार्ज क्या है रेस्ट में है। अगर चार्ज का रेस्ट में रिलेटिव मोशन होगा, रिलेटिव मोशन, तब कूलम्स लॉ वैलिड नहीं होगा। तो दिस टू आर द लिमिटेशन ऑफ कूलम्स लॉ। अभी नेक्स्ट हम लोग प्रिंसिपल ऑफ सुपरवेशन पढ़ना है। प्रिंसिपल ऑफ सुपरवेशन मेनली क्या होता है कि फोर्स ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस। सो डियर स्टूडेंट, ट्राई टू गिव क्वालिटी टाइम, डू मोर प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, बिकॉज फिजिक्स में ना आप सीख जाओगे तब भी मार्क्स अच्छा से नहीं आएगा जब तक आप पूरा दिल से प्रैक्टिस नहीं करोगे। और जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपको फीलिंग्स, नॉलेज का फीलिंग्स आएगा, तभी जाके आप अच्छा ग्रो करोगे, आगे जाके एंट्रेंस वगैरह क्वालिफाई करोगे। मेरे करियर में मैंने बहुत सारे स्टूडेंट देखा है, पढ़ाते वक्त सबको एक क्वेश्चन वगैरह सॉल्व कर पाते हैं, लेकिन जब कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन तो कभी सीधा नहीं आएगा, क्योंकि सीखने वाला चीज़, जब कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आता है तो कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो ये एक्सपीरियंस का बात है, आप फिजिक्स एक दिन में सीखने वाला सब्जेक्ट नहीं है, इसमें आप जितना डीपली, मैं भी अभी भी लर्निंग कर रहा हूँ, लॉट्स ऑफ थिंग आर देयर, न्यू कॉन्सेप्ट इसमें फास्ट है, बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन नॉलेज है। तो और ये एक फास्ट फील्ड है, क्योंकि फिजिक्स से अब फिजिक्स से बहुत सारा इंजीनियरिंग का ब्रांच मतलब इनहेरिट हुआ है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, सिविल, अब बहुत सारे इंजीनियरिंग फील्ड में फिजिक्स का कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है, तो बहुत फास्ट कॉन्सेप्ट है। तो ये 11, 12 में आपका क्या है, सबका बेसिक है, तो उसमें जितना आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, और एक बात है, न्यू प्रॉब्लम सॉल्व करते रहो, तब अगर जब तक जब अगर प्रॉब्लम पूरा सॉल्व हो रहा है बिना कॉन्सेप्ट देखे, तब लगेगा कि तब कि आपको सिखाया था। और जो क्वेश्चन सॉल्व किया कर दिया वो बाद में किया, तो आपको पूरा क्लियरिटी नहीं आएगा कि आप कितना सिखाए। तो अलग अलग बुक से क्वेश्चन सॉल्व करो, और जब पूरा बेसिक क्लियर हो जाएगा तो आप अलग अलग बुक का भी क्वेश्चन बिना मतलब सपोर्ट लेके आप सॉल्व कर सकते हो।